नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आपके लिए इस सप्ताह की कि कैसा रहने वाला है ये सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह किसी भी नुकसान से बचने के लिए काम पर अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आपको बहुत विशेष सतर्क होना चाहिए। उच्च अधिकारी आपके समर्पण और सटीकता से प्रसन्न होंगे। चल रहे विदेशी मामलों से अच्छी खबर आपको मिल सकती है। वाहन और घर से जुड़े मामले आखिरकार सुलझ जाएंगे। समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की अराजकता में न पड़े। दोहरे चरित्र वाले लोगों से सावधान रहें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर में बड़ों के स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें। सप्ताह का आनंद लेने के लिए आपको आराम भी करना होगा, यानी कि अपने सेहत का भी आप ध्यान रखें। बात करें वृष राशि के लिए, इस सप्ताह ग्रहों का समर्थन आपके साथ है। समाज आपके काम का गंभीर विश्लेषण कर सकता है, इसलिए आलोचना से बचने के लिए अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव जरूर लाएं। ऑफिस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सक्रियता से करें और आपके रास्ते में आने वाली किसी भी नए अवसर या चुनौतियों को आप स्वीकार करें। पूर्व से चली आ रही समस्याओं का समाधान आपको शीघ्र ही मिल जाने की उम्मीद है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग समय की सार्थकता को समझें। काम की अधिकता के चलते परिवार की तरफ ध्यान न देने से आपके परिवार के कुछ सदस्य शिकायत कर सकते हैं, अतः इस ओर अपना ध्यान जरूर दें। मिथुन राशि, इस सप्ताह व्यापार में आपके प्रयासों के परिणाम में देरी देखी जा रही है, इसलिए शुरुआत से ही सप्ताह भर की योजना बनाकर आगे बढ़ना ठीक रहेगा। यदि आपके जीवन साथी का अपना कोई व्यापार है तो उनकी व्यावसायिक सफलता से आपको खुशी मिलेगी। अपने बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। उन्हें ऐसा कुछ भी करने से रोकें जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। अगर सेहत की बात करूं तो इस सप्ताह आपका जो सेहत है वो सामान्य रहने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि की। इस सप्ताह अपने कर्तव्यों का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना सबसे अच्छा होगा। अविवाहित लोगों के विवाह की बात पक्की हो सकती है। व्यवसाय में आने वाले परिणाम अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। किसी रिश्तेदार के शुभ समारोह में भाग लेने की आपकी अनिच्छा के बावजूद भी आपको इसमें भाग लेना पड़ सकता है। यह आपके वित्तीय बजट में असंतुलन पैदा कर सकता है। अपने आसपास शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आप अपने बच्चों की मदद करने की कोशिश में व्यस्त रह सकते हैं। और अगर सेहत की बात करूं तो इस सप्ताह का सेहत जो है वो सामान्य रहने वाली है। सिंह राशि के लिए जो सप्ताह है, ग्रह इस दौरान आपको उन महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों से राहत दिला सकते हैं जिनको लेकर आप चिंतित हैं। ये कह सकते हैं कि आपको अपने वित्तीय समीकरण में सुधार जो है देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोतों का उदय होता भी दिख रहा है। समय आपको अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रखेगा और अपने राजनीतिक संबंध का आप लाभ उठाएं। आपके लिए ये अगर आप उनका फायदा उठाते हैं तो यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। आपके जीवन साथी और आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो पहले अपने वाहन की स्थिति की अच्छी तरह निरीक्षण कर लें। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह सामान्य रहेगा। कन्या राशि, इस सप्ताह पारिवारिक और बाहरी मामलों को संतुलित करने की आपकी क्षमता जो है वो आपको आसानी से निपटने में मदद करेगी। आपके मित्र और प्रियजन आपको पूरा सहयोग देंगे और आपके माता पिता का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले बिना असफलता के सफलता प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ये समय अच्छा है। और जो अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह ठीक रहने वाला है। तुला राशि की बात करते हैं। ग्रह कहते हैं कि इस सप्ताह किए गए सभी कार्य आपके पक्ष में रहेंगे। परिवार के किसी करीबी को नौकरी का मौका मिलने की खबर आपको मिलेगी। इससे जो घर का माहौल है वो जो खुशनुमा हो जाएगा। आपके बच्चे अपने करियर में महान ऊंचाई को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। परीक्षा में बैठने के दौरान अपने उत्तर देते समय अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। यह सबसे अच्छा होगा कि आप ध्यान से सोचें और फिर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तर दें। वाहन और घर में निवेश करने के लिए यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। यदि पूंजी निवेश करने की योजना आपने पूर्व से बना रखी है तो निवेश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनुभवी क्षेत्र में ही रिस्क लेना होगा। व्यापार में आपके अथक प्रयासों के परिणाम संतोषजनक रहेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में नए उद्यम शुरू करने की आपकी जो इच्छा है वो बलवती होगी। आपके निकट और प्रिय
आपकी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में बिना शर्त आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। आपका प्रियजन आपके विचारों के लिए असाधारण रूप से सहायक होगा। खान पान का ध्यान रखें, लापरवाही आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। किसी परिचित के माध्यम से प्रसिद्धि और पेशेवर पहचान हासिल करने में आपको मदद मिलेगी। आप अपने व्यवसाय में एक नया दृष्टिकोण खोजने में सक्षम होंगे। इस समय अपने जीवन साथी की समय पर सलाह और सहयोग लाभप्रद सिद्धदायक होगा। दाम्पत्य जीवन में संतोषजनक रहेगा। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। छात्र अपनी पढ़ाई में उल्लेखनीय सुधार दिखाएंगे। मर्यादा बनाए रखने के लिए आसपास के वातावरण के अनुसार आचरण करें। सुरक्षा के लिए वो जो मौसम है मौसमानुकूल परिवर्तन करें, मौसमानुकूल आचरण करें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बात करते हैं मकर राशि के लिए। इस सप्ताह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांति बनाए रखें। उन लोगों के साथ काम करना चुनें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह आपके नए प्रोजेक्ट की गति को तेज करने में मदद करेगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजना और रणनीतियां फायदेमंद होंगी। आपका आत्मविश्वास आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में मददगार होगा। आपका जीवन साथी आपको घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आपको शारीरिक परेशानी का अनुभव हो सकता है, अतः ध्यान दें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस सप्ताह व्यापार की जो स्थिति है वो काफी आशाजनक रहेगी और संभावित व्यावसायिक प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों के कानूनी मामलों में खुद को न उलझाएं। समाज में आपका नाम और कीर्ति बढ़ेगी। आपके कार्यस्थल पर आपके भविष्य के दिनों को नया रूप देने के लिए परिवर्तन देखा जा रहा है। ये परिवर्तन आपके करियर के विकास के लिए बहुत संतोषजनक हो सकता है। बेरोजगार व्यक्तियों को जो बेरोजगार हैं उन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इस सप्ताह आपको खान पान का अपना विशेष ध्यान रखना होगा। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। बेवजह के विवादों से दूर रहें और किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपके कार्यस्थल पर लाभकारी परिवर्तन दिखाई देंगे। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। इससे आपको आने वाला जो कल है वो मजबूत दिखाई देगा। आपके किसी जानने वाले के लिए आपकी बहुमूल्य सलाह काबिले तारीफ साबित हो सकती है। अविवाहित के लिए सुखद समाचार मिलेगा। जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और अगर आप वाहन आदि का प्रयोग करते हैं, स्वयं वाहन चलाते हैं, तो यातायात के नियमों के साथ अनदेखी ना करें। नमस्कार।